हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता नवम अध्याय द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज टेक्स्ट 6। कल हमने देखा किस प्रकार भगवान ने कहा कि सब कुछ मेरे कारण ही हो रहा है। भगवान ने कहा किस प्रकार से नच मत्स्थानि भूतानि पश्यमि योगमैश्वरम्। हालांकि सारे जीव मुझसे आते हैं लेकिन वो मुझ में ही वास नहीं करते। आज इस कल्पना को और ज्यादा सुदृढ़ बनाते हुए, जीव और भगवान के बीच का अंतर समझाते हुए भगवान कहते हैं, यथाकाश स्थितो नित्यम वायु सर्वत्र गो महान तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानि उपधारय। भगवान कहते हैं, अंडरस्टैंड दैट एज द माइटी विंड ब्लोइंग एवरीवेयर rests always in the sky, all created beings rest in me। भगवान एक उपमा देते हैं। हम देखते हैं इस जगत में एक तरीके से वायु सबसे महान है। वायु किसी भी चीज को उड़ा के लेके जाती है। बादल के अंदर इतनी शक्ति है कि वो सूरज को ढक सकता है, लेकिन ये बादल हवा के सामने कुछ नहीं कर सकते। हवा बादलों को उड़ा के लेके जाती है। हवा इतनी ज्यादा शक्तिशाली हो फिर भी हवा के घूमने का एक दायरा है। ये दायरा क्या है? ये दायरा आकाश का है। आकाश अनंत है फिर भी इट हैज अ बाउंड्री। सो सिमिलरली ऑल दो विंड इज वेरी पावरफुल इट हैज अ बाउंड्री, आकाश इज वेरी वेरी पावरफुल इट हैज अ बाउंड्री। Similarly, every great and powerful thing, oh my dear Arjuna, you might be seeing here in this world, they all have a boundary. I don't. भगवान कहते हैं, यथा आकाश स्थितो नित्यम वायु सर्वत्र गो महान। वायु हर जगह घूमने के लिए पूरी तरह से no barriers। भूमि सबसे ज्यादा अचल है, उधर ही रहती है। उससे ज्यादा चल पानी है, थोड़ा घूमता है। वायु तो घूमती ही रहती है, केवल चंचल ही चंचल है। लेकिन ये चंचल वायु, ये इतनी प्रभावशाली शक्तिशाली वायु भी आकाश के दायरे से बाहर नहीं जाती। उसी प्रकार जीव, आध्यात्मिक जगत, भौतिक जगत कितने भी शक्तिशाली हों, वो मेरे द्वारा बनाई गई दायरे के अंदर ही रहते हैं। इसी चीज को और ज्यादा वर्णित करते हुए तो एम्फेटिकली स्टेट द सेम थिंग। हम देखते हैं कपिल मुनि अपनी माँ देवाहुति से संवाद करते समय ये बहुत सुंदर रूप से बताते हैं। श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के 25वें अध्याय के 42वें श्लोक में 3.25.42 भागवतम कपिल मुनि कहते हैं, मद्भयाद् वाति वातोयम् सूर्यस्तपति मद्भयात् वर्षत इंद्रो दहति अग्नि मृत्युश्चरति मद्भयात्। भगवान कपिल मुनि कहते हैं, मद्भयाद् वाति वातोयम्, मेरे कंट्रोल के कारण, एक्चुअली मेरे भय के कारण मरुत बह रहा है। सूर्यस्तपति मद्भयात्, सूर्य मेरे भय से तप रहा है। वर्षति इंद्रो, इंद्र वर्षा कर रहा है मेरे भय से। दहति अग्नि, अग्नि दाहक है मेरे भय से। यहां तक कि मृत्युश्चरति मद भयात्, मृत्यु चरण कर रही है क्योंकि मेरा भय है मृत्यु को भी। सो कृष्णा गिव्स हिज वेरी वेरी एम्फैटिक कंट्रोल ओवर दिस मटीरियल यूनिवर्स। And he also demonstrates how he is far superior to any living entity. दो चीजें यहां भगवान कहते हैं, एक तो मैं इस भौतिक संसार का पूर्ण स्वामी हूं और दूसरा ये सारी हम जीवात्मा हैं। Yes, लेकिन इस शरीर में मैं अग्नि से, वायु से, भूमि से, जल से प्रभावित होता हूं। भगवान प्रभावित नहीं होते। जीवात्मा
भी प्रभावित नहीं होता आध्यात्मिक चित्तकण के रूप में, शरीर निश्चित रूप से प्रभावित होते हैं। सो कृष्णा इज ऑलवेज ट्रांसेंडेंटल एंड कृष्णा इज फार सुपीरियर टू एवरी लिविंग एंटिटी। इवन दो आई एम ऑल्सो सच्चित आनंद बट आई हैव नो कंट्रोल ओवर वॉटर एयर एंड लैंड, कृष्णा हैज ऑल कंट्रोल ओवर एवरीथिंग। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।